भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हंगामा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर से मरीज के परिजनों ने कार्ड स्टाफ पर मरीजों के साथ पिटाई का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही जूनियर डॉक्टरों पर भी मारपीट का आरोप परिजनों ने लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास और स्थानीय पुलिस ने समझा बुझा कर मरीज के परिजनों को शांत कराया। यहाँ पे आए पेशेंट तो दो घंटा तक ऐसे पड़े रहे, कोई उपचार नहीं, कोई देखा सुनी नहीं हुआ। जब ये लोग बोले कि मेरा उपचार कीजिए, हम ऐसे पड़े हुए हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है, तो जब ये लोग हंगामा करने लगे तो उसके बाद जो है कि इसे अस्पताल का जो स्टाफ है, जो गार्ड है और जो जूनियर डॉक्टर है, गार्ड को बुलाए और गार्ड से बुलवा के जो परिजन आए थे उनके साथ में, मरीज के साथ में, उनके साथ मारपीट किया। ये सब जो है फुला दिया है मार के, ठीक ना। और उसके बाद जो है कि पेशेंट को जो है खींच के बाहर कर दिया, अभी ले गया है अभी लोग के सामने में देखने किए तो, और खींच के बाहर कर दिया, बोला कि अब जाओ, तुम लोग का उपचार नहीं करेंगे, जिसको बुलाना है बुलाओ। कहते हैं नियति के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। कुछ ऐसा ही भागलपुर कहलगांव कसलपुर थाना क्षेत्र के धनौरा में हुआ। दरअसल धनौरा गांव के महेश पासवान की बेटी मंजुला की शादी का माहौल था। रात में शादी होनी थी, दिन में महेश पासवान और उसके चाचा मैनी पासवान घर के बाहर बैठे थे, तभी एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को कुचलकर 100 मीटर तक घसीट डाला। घर के दरवाजे पर ही मैनी पासवान और अस्पताल ले जाने के क्रम में महेश पासवान की मौत हो गई। शादी का माहौल अचानक से मातम में तब्दील हो गया। मड़वा पंडाल सजा रह गया, बरातियों के लिए तैयार भोजन धरा रह गया। अचानक हुए हादसे में सब कुछ बिखर गया। लोगों के समझाने बुझाने पर पास के ही मंदिर में महेश की बेटी मंजुला की शादी लगमा के संजय से हुई। मेरे पापा का सर कालू, उस टाइम में बैठा था रोड पे, रोड के बगल में बैठा था, कच्ची जगह पेड़ के पास बैठा था। उधर से आया हाय बा तरफ से जाया मेरा पापा, उधर से आया हाय बा के पास मेरा पापा को चीप दिया। मेरा पापा पलाटे पे डेट हो गया। हम सब घर में सोए, जब हल्ला होने लगा तब हम सब घर से निकले तो देखा मेरा पापा उसी जगह प्लाट पे डेट हो गया। आप क्या करेंगे मेरा बाल? क्या था कल? कल शादी का मौत था, शादी आने वाला था मेरा बहन को, मेरा बहन का शादी होने लगता है सर। मेरा बहन को सब कुछ लगा है, टेंट उंट सब सजी उजी है, कुछ नहीं वो ओवरलोडर और ओवरटेक करने वाले गाड़ियों के खिलाफ जिला परिवहन विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाकर जुर्माना वसूला जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद परवेज अख्तर के नेतृत्व में लगातार भागलपुर की जीरो माइल थाना क्षेत्र, बाईपास थाना क्षेत्र, जगदीशपुर थाना क्षेत्र सहित अलग अलग इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों वाहनों से लाखों रुपये वसूला गया। इस दौरान DTO परवेज अख्तर ने बताया कि भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त ने भागलपुर जीरो माइल से विक्रमशिला सेतु होते हुए नौगछिया जीरो माइल तक नो ओवरटेक जोन घोषित किया है, जिसके तहत कोई भी गाड़ी ओवरटेक करते पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। कमिश्नर और DM के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लगातार जिला परिवहन विभाग और पुलिस बल के द्वारा भ्रमणशील रहकर ओवरटेक करने वाले गाड़ियों और ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर जुर्माना वसूला जा रहा है। मोहम्मद परवेज अख्तर ने बताया कि अब तक 37 ओवरटेक करने वाले वाहनों और 54 ओवरलोडेड वाहनों से पिछले 10 दिनों में 31,55,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भागलपुर जिले में चल रहे पाइपलाइन बिछाने के काम के कारण सड़कों को काटे जाने के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्मार्ट सिटी परियोजना और बुडको के अधिकारियों के साथ बैठक कर 15 जून तक सभी सड़कों की मरम्मत करने का आदेश दिया है। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए जो एजेंसी कार्य कर रही है उसके अधिकारियों के साथ बैठक की गई और यह दिशा निर्देश दिया गया कि किसी भी हालत में 15 जून तक पाइपलाइन बिछाने के लिए काटे गए सड़कों को रिस्टोर कर पहले वाली स्थिति में लाना है और 15 जून तक कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित एजेंसी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जहाँ जो आपका पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड वगैरह काट दिया गया है उस एजेंसी से अभी हम लोगों ने बैठक किया है और DM सर के द्वारा भी उसको आदेश दिया गया है कि जो भी रोड उसने तोड़े हुए हैं उनको अविलंब जो है वो पुनः रिस्टोर करेगा अपनी ओरिजिनल अवस्था में और उसको टाइम दिया गया है कि 15 जून तक सभी रोड जो है उसको ठीक करना है। अगर वो इस कार्य करने में विफल होता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।
विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर सरकार और पुलिस विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। मेले की तैयारी को लेकर दुमका कमिश्नर की अध्यक्षता में बिहार एवं झारखंड के सभी सीमावर्ती डीआईजी एसपी डीएसपी और थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दो वर्षों के बाद आयोजित होने वाले सावन मेले को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक से वापस लौटे भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद कुमार ने बताया कि दो वर्षों के बाद होने वाले मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसको लेकर बिहार और झारखंड के सभी सीमावर्ती इलाकों के पुलिस पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। भीड़ को कंट्रोल करने और सुरक्षा के साथ साथ देवघर में पूजा अर्चना करने के दौरान भगदड़ की स्थिति न बने, इसको लेकर विशेष रूप से चर्चा आयोजित की गई और इसको लेकर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। डीआईजी ने बताया कि बैठक के दौरान झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है श्रावणी मेला, क्योंकि ये दो वर्षों के बाद पुनः आयोजित होने वाला है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए इसकी तैयारी भी उसी स्तर से की जानी चाहिए और उतने ही गंभीरतापूर्वक होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और हम जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी लोग इस मेले में शामिल हैं, उनके लिए एक सुगम रास्ता के अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकें। देखिए, इसमें एक तो भीड़ को कंटेन करने के लिए, चूँकि भीड़ अपेक्षा से ज़्यादा आने की उम्मीद है, तो हमने इस बिंदु पर वार्ता किया कि कुछ होल्डिंग एरिया बनाया जाए और श्रद्धालुओं को एक निश्चित संख्या में अलग अलग एरिया से मूवमेंट कराया जाए ताकि देवघर में भी कोई भगदड़ की स्थिति न हो। आगामी श्रावणी मेला को लेकर नगर परिषद के द्वारा सुल्तानगंज शहर से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। इस दौरान थाना पुलिस के साथ नगर परिषद के कर्मियों ने थाना रोड से होते हुए मुख्य चौक स्टेशन रोड सहित सभी प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। इस दौरान नाला के ऊपर बने दुकान को तोड़कर हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई बार स्थानीय लोगों का आक्रोश भी पुलिस को झेलना पड़ा। नगर परिषद के कर्मियों ने बताया कि आगामी श्रावणी मेला को लेकर सभी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना है, इसको लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। सभी दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था कि वह अपना अपना सड़क दुकान के किनारे से हटा ले, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। जिसके बावजूद भी दुकानदारों ने अपना दुकान नहीं हटाया तो दुकान हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर कांवरिया पथ को भी अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अंचलाधिकारी शंभू शरण राय ने कहा कि पूरे कांवरिया पथ को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। भागलपुर की वृंदावन भवन जवारीपुर तिलका मांझी के भव्य प्रसाद में मातृ दिवस के अवसर पर नारायणी नमस्तुते 2022 अवार्ड सेरेमनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत भागलपुर की वैसी कई महिलाओं को सम्मानित किया गया जो कई क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दी हैं, जिसने भागलपुर जिले की गरिमा बढ़ाई है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। दीप प्रज्वलन में उप मेयर राजेश वर्मा, पूर्व मेयर वीना यादव, युवा समाजसेवी विजय यादव, बंटी यादव, समाना दाऊद के अलावे कई सम्मानित अतिथि मौजूद थे। सबसे पहले सरनिया नृत्य कला केंद्र की ओर से गणेश वंदना की प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बताते चले, खेल, नृत्य, संगीत, शिक्षा, चिकित्सा एवं सामाजिक कार्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए युवा समाजसेवी विजय यादव के द्वारा रेशमी सर भागलपुर की कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। रानी नमस्तुते 2022 के सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागलपुर के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। पूरे प्रसाद में लोग खचाखच भरे हुए थे। मीडिया से बात करते हुए युवा समाजसेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सम्मानित महिलाओं में भागलपुर की शान मेयर सीमा शाह, पूर्व मेयर वीना यादव, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर, जिया गोस्वामी, बबीता यादव, संगीता यादव, छाया पांडे, अनुराधा खेतान, अरुणवा सिंह, संगीता तिवारी, उलूपी झा, सवाना दाऊद के अलावा कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों दर्शक मौजूद थे। नहीं हो पाया तो ये आज कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम माताओं को सम्मान करने के लिए, जो माताएं समाज में सोशल एक्टिविटीज उनका रहता है, समाज में जो है लोगों की मदद करना, किसी भी कार्यक्रम में मतलब गरीबों की मदद करना या किसी भी सोशल एक्टिविटी में रहती है, उसे माताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। ये भागलपुर में पहली बार हो रही है। इससे जो है प्रत्येक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा आगे आने के लिए, ताकि वो भी बढ़ चढ़ के सामाजिक क्षेत्र में काम करेगी और अच्छा इसका जो है मतलब सामने जो आने वाला समय है ये अच्छा आने वाली है माताओं के लिए।
जिला राष्ट्रीय जनता दल व्यावसायिक प्रकोष्ठ भागलपुर शाखा की ओर से पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बोलो मंडल के आवास कार्यालय तिलकामांझे में व्यावसायिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष शिव कुमार शाह के द्वारा संवाददाता सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अवसर पर पूर्व सांसद सह युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश कुमार उर्फ बोलो मंडल ने वर्तमान सरकार को कोसते हुए कहा कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से देश में महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस एवं खाद्य पदार्थ का दाम आसमान छू रहा है। महंगाई की मार से गरीब जनता तबाह है, वहीं देश निजीकरण के दौर से गुजर रहा है। दूसरी ओर परीक्षा के पूर्व भी प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। भागलपुर से पीरपैंती रोड की स्थिति दयनीय है, जिसके कारण प्रत्येक दिन सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती है। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार राजद की सरकार बनाइए और महंगाई दूर भगाइए।